गंगा जी वेल्डिंग तो करा ना तू। अबे साले हमारे कड़ाई कड़ाई बेटे राणा साहब नहीं आ रहा, वो भाग दूसरी मतलब दूसरी जगह जा रहा है। क्या हमने बोला अभी चाय भी कैंसिल कर, हम चाय बेची नहीं, हमें पक्के बात है। हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। माह रमजान बहुत ही अच्छी तरीके से जा रहा होगा। तो आज के व्लॉग में है कि आज मैंने सब दोस्तों की जो है इफ्तारी की दावत रखी है सब दोस्त जो है आ रहे हैं शहर से, तो हर कोई अपने अपने घर से निकल रहा है। इस टाइम 6 बज चुके हैं और सलीम भाई वालों को पिक करना है, वो आ रहे हैं शहर से। तो जैसे जैसे दोस्त आएंगे हम आपको दिखाएंगे, उनसे मिलवाएंगे और आज के हम आपको इफ्तारी दिखाएंगे कि मेरी तरफ से कैसी इफ्तारी हुई है। बकाया आगे ब्लॉग नए नए बनाएंगे, कोई नई जगह पर जाएंगे। अभी तो बहुत इफ्तारियाँ रही हुई हैं बाहर की, चलाते हैं सबसे मिलवाते हैं आपको, तारी करते हैं बैठ के साथ। और अभी हम घर से निकल आए थे सलीम भाई को पिक करने के लिए, और सलीम भाई आ रहे हैं फ्लाईओवर से, वो वहाँ से आ रहे हैं। तो अभी सलीम भाई हैं और इरफान भाई हैं और डॉक्टर ईशान हैं, इनको पिक करेंगे फिर इनको घर ले जाएंगे। वहाँ बैठक में बैठेंगे जहाँ सेटअप वेटअप लगाया हुआ है अफतारी का। बकाया और दोस्त भी आ रहे हैं, अहमद भी निकल रहा है घर से। बकाया जैसे दूसरे दोस्त आते हैं हम आपको दिखाते हैं। और यहाँ पे फाइनली सलीम भाई वालों को पिक करके लेके आए। सलीम भाई क्या हाल है? आप सुना ठीक हो? शुक्र है यार, तबीयत सही नहीं कल से। अच्छा, बहुत जिस्म में दर्द लगा पड़ा है। अच्छा, तो दिशा हमारे मोहन साहब, मैंने कहा चलो इनको लेके चलते हैं, पापा ने इफ्तार पर रखी है। हाँ। अभी अभी पहुंचे, आपने रिसीव कर लिया। हाँ। दूसरे दोस्त भी आ रहे तो इंशाल्लाह साथ में इफ्तार करते हैं। रोजे में टाइम की जो है कम ही बचा है, अभी जल्दी कर, हम तो बहुत जल्दी आ जाते हैं, इफ्तार कर रखे हैं, बहुत थक गए, भूख ज्यादा लगी है ना। इरफान भाई क्या हाल है आपके? भी ठीक। क्या मतलब आपकी फीलिंग वगैरह है? रोजा रखा है क्या? रोजा रखा है क्या? किधर रखा है? फिर ऊपर डॉक्टर साहब खुद बैठे हैं, तारीफ के मोहताज नहीं। और इसका भाई बैठे हैं शिराज साहब, और सेठ वाइद बैठे हैं इधर, ये भी आज जो महफिल में चार चांद लगाएंगे। और बकाया हमारे जो दोस्त आ रहे हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे। नए नए जो है गर्दने आएंगी इसके अंदर, नए नए फार्मी मुर्गी आएंगी, वो भी दिखाएंगे हम। अल्हम्दुलिल्लाह से इफ्तारी वगैरह हमने कर ली है और अभी हम लोग सारे बैठे हैं। भाव भाई क्या हाल है? अल्लाह का रोजा लग गया क्या? रोजा खा लिया। और अच्छा था पोन्टी नाम करो बेटू, गंगा जी वेल्डिंग तो करा है। अबे साले और ये हमारे बकाया था, कहते थे विक्ट्री विक्ट्री हो। और बकाया एडवोकेट सलीम राणा साहब ने पानी पिलाने में मसलात में लगे पड़े, और पीछे बकाया देख सकते हैं आप। और ये हमारा एक नया ब्लॉगर आ गया है माशाल्लाह, और ये हाजी साहब कुछ बैठे। और यहाँ पे हमारी संगत साथ का खाना लग चुका है और ये सारे खाने पे बैठे हैं। और ये देख सकते हैं आप, और अभी हम लोगों ने खाना वाना खा लिया है, और ये आप देख सकते हैं इन्होंने क्या हालत की है। और ये पीछे देखिए तो हर जगह खुआर रहता है। अब लाइट बंद कर, सोलर बंद किया। लाइट साहब लाइट बहुत सही है। और अल्हम्दुलिल्लाह से हमारी जो अफ्तारी है बहुत अच्छी तरह गई। इरफान भाई ने थोड़ा कम खाया। इरफान भाई जो है डाइटिंग दे ना। क्या बात है सर, क्या बात है सर, बिल्कुल नहीं खाया माशाल्लाह सुभान अल्लाह। केसर भाई अभी इफ्तारी करके आए थे, जैसे डबल करके आए थे इसी वजह से यहां पे नहीं खाया। सुभान अल्लाह आया किससे? पे हमारा जो है आखिरी सुन्नत मीठा आ गया है, और ये आई साहब हमारा जो है डिस्ट्रीब्यूट वगैरह कर रहा है, और ये आप देख सकते हैं अड्डा हो गया। अरे अक्सर के और यहाँ पे अपना और ये कस्टर्ड पे फटा चल रहा है, ये कस्टर्ड के लिए झगड़ा हो रहा है। जान दे देंगे इसके लिए।
क्या बात कर रहे हो आप। और अभी खाना वाना खा लिया था अल्हम्दुलिल्लाह से, और बहुत ही अच्छी इफ्तारी गई हमारी। और अभी जो है सारे दोस्त यार वगैरह अपने अपने घर के लिए चले गए, तो अभी सलीम भाई वालों को मैं घर वापसी इनको उनको छोड़ने जा रहा हूँ। सलीम भाई के पास आ रहे हैं, आ गए हैं, और रात का तकरीबन कोई 1:30 बज रहा है। सलीम भाई, सलीम भाई क्या हाल है भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, बाबा ने भी नींद से उठाया, बोला चलो चलते हैं शहर घूमने। ऋषान है मोरो से, अच्छा, और सेठ इरफान भी मोरो से है। हमने कहा चलो चलते हैं, फिर सुबह कोर्ट भी जाना है, लेकिन रमजान की जो नाइट है वो। सलीम भाई कोई केस वेस भी ले रहे हो या ऐसे ही कोर्ट में बस टांगे चला रहे हो? तो सीनियर के साथ है, उनके केस देख रहे हैं, इंशाल्लाह अपने भी मिलेंगे। और सलीम भाई जो है फिलहाल तो कोर्ट में ऐसे ही जा रहे हैं, टांगे वांगे चला रहा है। और पीछे राणा साहब बैठे, राणा साहब क्या हाल है भाई? डॉक्टर साहब क्या हाल है? डॉक्टर साहब आ गए मतलब आप कराची? जी सर अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच गए कराची। पीछे सेठ अपने सिर खुद बैठा है, बाबा लोक कर लोक कर लोक कर। और आज संगत ने बोला कि यार हमें कोयला चाय पे लेके चलो, मैंने बोला यार चलो। वैसे ही आज क्योंकि मेरी तबीयत ज़्यादा डाउन थी, उठाया नहीं जा रहा था स्पाइसी विंग्स की वजह से। ये रात हमने जो है कबाब जी पे स्पाइसी विंग्स खाए थे, तो उन्होंने माशाल्लाह से ऐसा पेट में जो है ना गुड़ 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 बचाया जो हटो बच्चों आवाज़ आ गई। तो अभी हम जो निकल रहे हैं कोयला चाय पे, वहाँ पे जाते हैं थोड़ा इंजॉयमेंट वगैरह करते हैं। और अभी हम आ गए हैं कोयला चाय पे, और ये डॉक्टर साहब की हमारी खास फरमाइश थी कि कोयला चाय पे आपने हमारी ख्वाहिश पूरी की। और ये आप देख सकते हैं यहाँ का व्यू, और ये पार्क वगैरह गाड़ी कर दी, और ये फोलाट जा रहा है हमारा। और ये देख सकते हैं, आप देख सकते हैं अभी सलीम भाई ऊपर चढ़ रहे हैं, डॉक्टर साहब भी जा रहे हैं, इरफान भी जा रहे हैं, और व्यू आप भी ये चेक कर सकते हैं यहाँ का। यहाँ सलीम भाई जो है खड़े हैं ऑर्डर लेने के लिए। सलीम भाई क्या है ऑर्डर बताओ, क्या आपको पसंद है? हमारी ये मेन डिश है, पसंद करो, सेलेक्ट करो। सेलेक्ट कर रहे हैं अभी, बता फिर मैं जाऊँ उधर। नहीं ये क्या बोल रहे, चाय वगैरह है हमारे पास। हाँ भाई ये बोले दो भाई लास्ट हमारा एक किलो हो जाएगा, रमजान का टाइम चेंज हमारा। नहीं तो फिर फायदा क्या हमारे आने का? हमें तो नहीं पता, हमने कहा सारी रात ये खुली रहेगी, हम क्या करेंगे। हाँ इतना पेट्रोल वगैरह जला के फायदा तो नहीं हुआ। सेठ आपका क्या ख्याल है? हमारी किस्मत क्या गया, सारा मूड खराब कर दिया लोगों ने, क्या कर दिया। इधर सेठ भी गुस्सा हो रहे हैं, चले चाय पीने। तो फिर क्या चाय बोले और क्या चाय बोल देते, रोल वगैरह बोल देते। सही है सलीम, क्या ख्याल है? चाय सही है बस, मटका चाय। भाई ये क्या बंदा कमेंट पास कर रहा था, ये बोला था हमारा फर्स्ट टाइम है इधर, तो हमने सोचा ये खाना अच्छा होगा तो सारी फिल्म लेके आए, लेकिन यहाँ से ये सीन हो गया कि खाना कोई मतलब ये बोला 0% है। वेटर को बुला रहे हैं, लेट वेटर नहीं आ रहा, वो भाग जा रहा है दूसरी मतलब दूसरी जगह साइड जा रहा है। क्यों बैठे? तो उनको ये बोल रहा है कि अपना खाना सही करो, नहीं तो वरना नेक्स्ट टाइम नहीं आएंगे। तो अभी ये तो इनका मसला। अच्छा हुआ कि हमने ऑर्डर नहीं किया, वरना ये हमारे साथ भी मसला आ जाता। चाय बस काफ़ी है, बस चाय अच्छी, बस चाय रोल भी मंगा रहे थे लेकिन वो नहीं था। अच्छा है बस चाय से मैं तो सही है, डॉक्टर साहब सही है ना? सही। यहाँ हमारे साथ सीन हो गया, उस कस्टमर ने जैसे ही रिव्यू दिया, हमने बोला भाई चाय भी मजे की नहीं होगी, अभी खाली खर्चा ही किया हुआ है, खाली चीज़ें इनकी तो मजे की नहीं है। तो हम वहाँ से उठ गए हैं, अभी हम जा रहे हैं चाय शाय पे। भाई आपका क्या कहना? हमने बोला अभी चाय भी कैंसिल करो, हम चाय बेची नहीं गए, हमें पक्के ये बात है, तो इसलिए हम फेसिक्स जा रहे हैं चाय शाय पे। तो ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो अभी जो है सलीम ने बोला कि भाई कैंसिल करो, वो तो कैंसिल कर ही नहीं रहे थे। सलीम ने थोड़ा बोला कि भाई एडवोकेट हूँ मैं, फिर उन्होंने बोला हाँ सही है ठीक है, फिर उन्होंने कैंसिल की है, फिर अभी हम जा रहे हैं। ऐसे ही है ना? हाँ भाई उसने बोला अभी एडवोकेट लड़ेगा, अभी अच्छा है तो भाई आप चले जाओ बस, कोई मसला नहीं। और ये देख सकते हैं अब्दुल्ला शाह गाजीपुर के हैं, और साई जो है फुल ग्रीन लगा हुआ है, देख सकते हैं आप। यहाँ चाय शाय पे चाय वाले पे आ गए थे, और यहाँ ऑर्डर वगैरह किया, गोलगप्पे किए, फ्राइज वगैरह और चाय वगैरह ऑर्डर किए। सलीम भाई गोलगप्पे कैसे हैं? मज़ेदार
ओके ना राणा, चीज बढ़िया है, एकदम रापचिक चीज है ना। तो अभी रिफ्रेशमेंट के लिए ये मंगाया है। तो वहाँ पे तो कुछ ही नहीं था, तो इससे अच्छा यहीं आगे तो यहीं सही है। ये फ्राइज देखने आप। और अभी हमने जो है रिफ्रेशमेंट वगैरह कर लिए, और अभी हम जो है सलीम भाई को जो वापसी छोड़ने जा रहे हैं, डॉक्टर साहब को भी। सलीम भाई सही चाय वगैरह भी अल्हम्दुलिल्लाह भाई, मज़ा आ गया। इधर तो भाई रौनक भी थी, उधर कोई बंदा भी नहीं था। हाँ, इधर सारी रात ये खुली पड़ी होटल फेसिक्स में। ओके ओके भाई, ओके सब कुछ ओके था। ओके था सब, संगत जो है हमारी वो है तमाम खुश हो गई। तो अभी हम वापसी निकल रहे हैं अपने घर के लिए। उम्मीद है कि आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हाँ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ।